फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल कैमरा कुकिंग विद जया। और फ्रेंड्स आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी, बहुत ही सिंपल रेसिपी, पोहा विद कोकोनट चटनी। फ्रेंड्स अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर दीजिए और आइए फ्रेंड्स हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कटोरी के करीब जाड़ा पोहा। अब मैं पोहे को इस तरह से जालीदार बर्तन में या छलनी में डालूंगी, इससे पानी से धोने से इसका पानी जो है आसानी से ड्रेन हो जाएगा। पोहा मेरा धुलकर बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ मैंने लिया 1/2 कटोरी के करीब मूंगफली के दाने, थोड़े कड़ी पत्ते और 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ 1 बड़े चम्मच के करीब तेल गर्म होने के लिए रखा है और अब इसमें मैं डालूंगी मूंगफली के दाने। मूंगफली के दानों को हल्का लाल होने तक मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। मूंगफली के दाने ऑप्शनल है, अगर आप हरी मटर का सीजन हो तो आप हरी मटर का उपयोग कर सकते हैं। मूंगफली के दाने अच्छे से तल गए हैं, अब मैं इसे बाहर निकाल लूंगी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे राई के दाने। मैंने यह 1/2 चम्मच या 1 चाय चम्मच के करीब लिया है और 1/2 चम्मच के करीब जीरा लिया है। राई जीरा छिटक रहे हैं और अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने कड़ी पत्ते और हरी मिर्च ली थी वो इसमें डलेगा। हरी मिर्च और कड़ी पत्ते अच्छे से हो गए हैं, अब मैं इसमें येलो होने के लिए, हल्का गोल्डन येलो आने के लिए हल्दी डालूंगी। 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाला है मैंने और इसे बस ऐसे ही मिक्स करना है। और इसमें अब मैं वो पोहा जो मैंने रेडी किया हुआ था वो इसमें डल जाएगा। पोहा डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। और मैं इसमें डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। 1/2 चम्मच के करीब मैंने नमक डाला, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और जो मैंने मूंगफली के दाने यहाँ पर फ्राई किए थे वो भी इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए मेरा पोहा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब मैं थोड़ा इसका ट्विस्ट बढ़ाने के लिए 1/2 चम्मच के करीब शक्कर यानी चीनी डालूंगी। चीनी ऑप्शनल है, टेस्ट के लिए मैंने डाला हुआ है। ये पोहा बहुत ही अच्छा है, इसमें ना ही मैंने ऑनियन डाला है और बहुत ही झट से बन जाता है, ना ही हमें तड़का तैयार करना है ना ही कुछ तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स झट से मेरा ये पोहा बनकर रेडी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट चटनी। चलिए अब उसे बनाते हैं। पोहा की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया हुआ है नारियल, 1/2 नारियल जो मैंने टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ मैंने 3 हरी मिर्च ली है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। ज्यादा तीखा चाहिए तो ज्यादा कर दीजिए। अब मैंने यहाँ लिया है मिक्सर का जार, इसमें इसको डाल दूंगी और मैं लूंगी 1/2 चम्मच के करीब जीरा। जीरा इसका टेस्ट बढ़ा देता है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें डालूंगी नमक। मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच के करीब पानी और मैं अब इस जार को बंद करूंगी और चटनी रेडी करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए एकदम व्हाइट कोकोनट चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। पे गार्निश करेंगे और चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे सर्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म पोहे। तो अब फ्रेंड्स इस पोहे को मैं कोकोनट चटनी के साथ सर्व करूंगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल रेसिपी से मैंने पोहा बताया है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से कर दीजिएगा। मेरी रेसिपी को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद एंड बाय बाय।